बिहार के खगड़िया में रेप के आरोपी पर पीड़ित लड़की को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक रेप पीड़ित लड़की आरोपी पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। इससे गुस्सा आया आरोपी ने उसे घर पर बुलाया और पीड़ित को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। अब आरोपी परिवार समेत फरार है। पंजाब के खन्ना में पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में उसके परिवार के ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या की और जुर्म छिपाने के लिए शव नहर में फेंक दिया। सभी आरोपियों ने वारदात इसलिए अंजाम दी क्योंकि वो बिना बताए कुछ देर के लिए घर से चली गई थी। यूपी के गोंडा में रेलवे लाइन के पास करीब 20 साल की लड़की का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि लड़की की रेप के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और मृतक लड़की की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। यूपी के जौनपुर में शादी करने आए दूल्हे पर एक युवक ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वारदात में गंभीर रूप से घायल दूल्हे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक उसकी लड़की के साथ पहले ही मंदिर में शादी हो चुकी है, इसीलिए शादी रुकवाने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। एमपी के होशंगाबाद में एक महिला पुलिसकर्मी ने एक पुलिस वाले के बेटे पर रेप का आरोप लगाया है। महिला पुलिसकर्मी के मुताबिक आरोपी शादी का झांसा देकर पिछले 1 साल से उसके साथ रेप कर रहा है। आरोपी का पिता पीड़ित के साथ ही थाने में तैनात है। पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एमपी के टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर लोगों ने एक जेब कतरे को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे करीब आधे घंटे तक जमकर पीटा। भीड़ की पिटाई की वजह से आरोपी जेब कतरे की हालत गंभीर हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने जेब कतरे को लोगों से छुड़ाया और साथ ले गई। एमपी के सतना में एक मनचले ने एक लड़की को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। आरोपी को इलाके के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित लड़की की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एक तरफा प्रेम के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया। बिहार के सासाराम में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा लेने को लेकर 2 गुटों में फायरिंग हो गई। इस वारदात में एक व्यक्ति को गोली लगी जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिहार के छपरा में जायदाद के लिए भाई बहन ने अपने पिता की हत्या कर दी। आरोप है कि दोनों आरोपी जायदाद अपने नाम कराने के लिए कई दिनों से पिता पर दबाव डाल रहे थे और इनकार करने पर दोनों ने धारदार हथियारों से पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि बेटा फरार है। चंडीगढ़ पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जिसमें सभी नाबालिग हैं। इस गैंग के 4 नाबालिगों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी हुआ सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में चोरियां करता था।